रहे हम लोगों से, ये हम लोग अपने बनाए हैं, हम लोग ने खुद, हम लोग ने सारा टीएलएम बनाया है खुद, हम लोग खुद लेके आए हैं, हमारे सारे जो सहपाठी बैठे। अच्छा, ये आप लोगों ने अपने हाथ से ही बना करके फिर आपने यहाँ पर एक एक करके लगा दिया है कि स्टॉल पे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बच्चों से संबंधित है सिखाने के। इसमें आपका, इसमें आपका कौन सा है कुछ आप बता सकते हैं? मेरा, इसमें मेरा तो हम लोगों ने सारे, मतलब इसमें क्या, ये भी हम लोगों ने किया था, थंब वाला भी किया था। अच्छा, वो हमारी दर्द लगी है पेंटिंग, वो नहीं चार्ट है, सेव वाटर पे। अच्छा अच्छा, वो सेव वाटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चाहिए कि पानी अगर हमारा नहीं बचेगा तो हम लोग पानी कैसे पी पाएंगे, तो वो इसमें हमारा एक एक करके सबका अलग अलग ना। और ये इसमें देखो मैडम ने, हमारी ये मैडम बैठी, इन्होंने भी ये बनाया इसमें। अच्छा, ये इसमें ना, ये इसमें बच्चों को करते हैं, इसमें मैग्नेट लगा है, इसमें सबसे स्पेशल ये किस, ये किसने बनाया था ये? ये हमारी। अच्छा मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पा वर्मा है, मैं प्राथमिक विद्यालय मोहब्बतपुर से हूँ। अच्छा, और मैंने ये बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए ये बनाया है। अच्छा, ये जो मैम आपने ये जो अक्षर हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर आपने बना रखे हैं, इनका इनको मतलब किस तरीके से आपने समझाने की कोशिश की, कुछ आप बताएंगी? फुटकर में ये पड़े हुए हैं, ऐसे हमने बच्चों के सामने ऐसे डाल दिए, बच्चे ऐसे उठाएंगे, जौन सा भी अक्षर इसमें आ जाएगा, बच्चा बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, बच्चा बताएगा और सबको सिखाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बच्चा सीखने लगेगा फिर हम उसको विलोम शब्द अगर सिखाना चाहें तो इसके लिए भी है, ये विलोम शब्द के लिए है, मछली पकड़ेंगे तो इसमें बच्चा बता देगा लिख करके। अनाड़ी, ठीक है मैम, आप कुछ बताएंगे आपने क्या बनाया? सर मेरा नाम है श्वेता यादव और मैं कंपोजिट विद्यालय सहन से आई हूँ। इसमें जैसा कि ये सभी सीएलएम लगे हैं, सभी का ही इसमें रूल है, जैसा मैम ने इसको समझाया है, आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का मतलब है कि जो भी वेस्ट मटेरियल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम मार्केट से खरीद कर ही लाएं, जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको हम कैसे क्रिएटिव वे में यूजफुल बना सकते हैं, तो उसी का ही उदाहरण ये है कि ये वेस्ट है, सभी कागज जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी वेस्ट है, इनको हमने क्या किया है, इसके अंदर लोहा लगा, इनको एक नया शेप दे, नया शेप दे दिया, जिसका यूज हम बच्चों को एक क्रिएटिव वे में समझाने में यूज करेंगे, और इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट से भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव चीजें लेके आए, आप सिर्फ चावल से कलर से इस पेंटिंग को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना मतलब क्रिएटिव जैसे नहीं होते, इतना उनको ज़्यादा नहीं पता होता, तो सिंपल क्या है, आपको कलर करके थंब से बना दें, इसमें बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से अपना सीखेंगे और इजी भी है। वेरी गुड, इसमें सर ने बहुत अच्छा बनाया। वेरी गुड, चलिए आइए, अब एक और मैम है हमारे पास, अब इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या बनाया हुआ है। मैम आप अंजलि है, मैं पीएस चंद्रपुरा प्रथम से हूँ। मैंने दो चार्ट बनाए थे आर्ट गैलरी के लिए, वो उसमें से एक में है इन एंड यंग एनर्जी वाला, ये प्रदर्शित करता है, ये एक्चुअली एक सर्कल रहता है, तो जैसे जीवन एक सर्कल है वैसे ही लाइफ एक सर्कल है, तो क्या है कि इसमें कह सकते हैं कि हाफ जो है ना बैड है, हाफ गुड है, तो यहाँ पे ये जो आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बैड वाला पोर्शन है और ये गुड वाला है, तो ये जो बैड है इसमें ये गुड है और इसमें जो गुड है उसमें थोड़ा सा बैड है, तो यहाँ पे इसके सिंबल दिखाए गए हैं कि हियर इज द बैड, जो पूरा एकदम से ब्लैक रहता है। मैंने एक्चुअली इसमें मंडला फॉर्म, मंडला आर्ट जो है होती है उसके फॉर्म में इसको भर दिया था, जो बैड वाला, बैड वाला रहता है, अब उसको उसको इंडिकेट कर दिया आपने इधर। हाँ जी, हाँ जी, तो ये है कि अगर ये पूरा बैड दिखा रहा है और यहाँ पे जो पूरा ब्लैंक है वो है गुड, तो यहाँ पे जो छोटा सा रहता है ब्लैक कलर का वो बैड, वो है बैड, किसमें है वो गुड में, गुड के अंदर है। हियर इज द बैड दैट इज इन द गुड, हियर इज द गुड दैट इज इन द बैड, और हियर इज लाइफ, तो ऐसा हमारा जीवन होता है। अच्छा, ऐसा हमारा जीवन होता है, क्या जीवन में गुड भी है और बैड भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइए और आगे बढ़ते हुए हैं। ये हमारे हमारे जिले की, मैनपुरी जिले की बीएसए मैडम की एक फोटो बनाई हुई है, ये हमारे करहल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कैसे बनाई है, क्या बनाई, इनका इनके बारे में भी जानते हैं। हेलो, मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और मेरे पास क्लियर फोटो नहीं थी इसकी, बहुत पुरानी फोटो थी, तो उससे मैंने बनाई है, पहले फोटो साफ किया फिर ये प्रिंट निकाला, फिर उससे बनाया। अच्छा, ये बीएसए मैडम की पहले आपने फोटो निकाली नेट से, फिर आप पहले खराब फोटो थी उसको साफ किया, उसको साफ करवाया, फिर आपने फिर इसका प्रिंट निकाल के फिर ये बनाया। अच्छा, फिर तब ये बनाया, ये 4 घंटे में बनाई है, 4 घंटे कम्प्लीट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये कुछ वाली पेंटिंग है वो छोटे भैया ने। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं, उन्होंने बनाई हुई है, आइए उनसे ही मुलाकात करते हैं, इनके छोटे भाई जो बहुत ही क्रिएटिव हैं।
छोटे होते हैं, नटखट होते हैं भाई, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमारे इन्होंने क्या क्या सहयोग किया है इस करैल ब्लॉक को आगे करने में, बताएंगे जरा। जो थर्माकोल होता है, वेस्ट थर्माकोल, उससे ये डॉल बनाई है। आइए, कौन सी डॉल है आप जरा दिखाएंगे। ये मतलब ये तो थर्माकोल है जो हमारे घर पे पड़ा रहता है, क्योंकि हम उसे पैक देते हैं, तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि जो देखने में भी अच्छा लगे और बेस्ट, तो उसमें कुछ खर्चा भी ना हो। तो फिर ये थर्माकोल से कैंडल बनाइए, ये दिखाया कि अर्थ के ऊपर ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर एंडल दिखाइए। इसका मतलब ये है कि हम पृथ्वी का जो सारी दुनिया है उसके ऊपर हम एंजल की तरह वर्क कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। और इस क्षेत्र में भी वैसे ही है, आज जो महिला की स्थिति है, तो महिला मन से कैद है, कोई व्यक्ति उसे कैद नहीं कर सकता है। अगर मन से वो आज़ाद हो जाए तो उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ये तस्वीर वाकई में बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर उन्होंने बताया कि मन से जो कैद, क्या फिर से बताएंगे आप क्या कहना चाह रही है तस्वीर? जब व्यक्ति का मन है वो आ जाएगा तो वो अपने आप ही स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये मन ये जो बगिया की तरह दिखाया, बहुत सुंदर बगिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आप सर कुछ बोलेंगे इस करहल ब्लॉक की जो प्रदर्शनी, आज जो डाइट पे प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? आप करहल ब्लॉक हमेशा ही से नंबर बन रहा है, करहल ब्लॉक हमेशा ही नंबर वन है, इस बार भी नंबर वन। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। वैसे वाकई में मैनपुरी जिला अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिला वास्तव में एक नंबर एक पे पहुंचने वाला है। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।